हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रियल ब्राइडल मेकअप, जिसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जो कराना है वो एयर टू एयर पार्टिंग करके क्रम्पिंग करनी है बालों में, और उसके बाद हमें पीछे एक पोनी बना देनी है। ब्राइडल हेयर स्टाइल ज़्यादातर इसी तरीके से हम लोग करते हैं, और ये मेथड सबसे इजी होता है अगर आप बहुत अच्छे से और बहुत ही कम टाइम के साथ में ब्राइडल हेयर स्टाइल करना चाहते हैं, क्योंकि जब रियल ब्राइडल तैयार होती है तो आपको पता ही है टाइम कितना कम होता है हम लोगों के पास, तो टाइम भी ना लगे, काम भी बहुत अच्छा हो, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने एयर टू एयर पार्टिंग की। एयर टू एयर पार्टिंग में हम लोगों ने क्रम्पिंग करा ली थी, पीछे हमने एक पोनी बना दी। उसके बाद हम लोग सबसे पहले टीका फिट करेंगे। पफ के बाल निकालने से पहले भी हम लोगों को टीका फिट करना चाहिए ब्राइडल का, क्योंकि अगर हम लोग बाद में टीका फिट करते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम लोग टीका फिट करेंगे। तो देखिए, आप लोग देख सकते हैं हमने बीचों बीच से टीका लगा दिया है। इनका टीका जो है वो थोड़ी चौड़ी लड़ी का है और इनका फेस है थोड़ा छोटा, तो हमें उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए इनका हेयर स्टाइल बनाएंगे कि जब कभी बाल हाईलाइटिंग हेयर मिलते हैं हमें, तो उसमें हेयर स्टाइल बहुत प्यारा बनता है। उसका रीज़न ये भी होता है कि हाईलाइटिंग हेयर में ना बहुत ज़्यादा शो ऑफ होती है हर चीज़, और बहुत प्यारा सा हेयर स्टाइल बनता है। अब हम पीछे करेंगे बैक कॉमिंग। हमने पफ के लिए बाल निकाल लिए हैं, एयर टू एयर पार्टिंग में जो बाल थे उसमें से कुछ बाल हम लोगों ने पफ के लिए ले लिए हैं, और उसमें कर रहे हैं हम लोग बैक कॉमिंग। बैक कॉमिंग करने के बाद हम लोगों ने किया उसमें हेयर स्प्रे, और उसके बाद हम लोगों ने एक फिलर लिया, उसको हमने फिल कर दिया बालों के अंदर। ये सब काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बहुत अच्छा हेयर स्प्रे आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, एक अच्छा फिलर होना आप लोग के पास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये जो हेयर स्टाइल है ये हाई पफ हेयर स्टाइल है जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि जो हमारी क्लाइंट है उनकी हाइट काफ़ी कम थी, तो हमें उनकी हाइट भी बढ़ानी थी। उसकी वजह से हम लोगों ने उनका जो हेयर स्टाइल बनाया वो काफ़ी उठाकर बनाया, ताकि उनकी हाइट भी थोड़ी ज़्यादा लगे। अब आप देख सकते हैं, अब जो हमने नीचे की साइड में बाल छोड़े थे, पफ हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है बन के, और अब जो हमने आगे बाल छोड़े थे दोनों साइडों को सेंटर पार्टिंग करके, उसमें से कुछ बाल अभी हम लेंगे, और उसमें से छोटी छोटे से बाल लेके उसकी एक लेयर बनाएंगे हल्की सी टर्न करते हुए, और इस पफ के ऊपर से लेके जाएंगे। ये जो हेयर स्टाइल है ये आजकल काफ़ी इन है, काफ़ी अलग अलग तरीके से ये बनता है। मैं आगे भी आप लोगों के लिए बहुत बहुत अलग तरीके से ये हेयर स्टाइल लेकर आऊँगी, बट आज मैंने सोचा कि चलिए मैं ये हेयर स्टाइल आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, इतने छोटे छोटे से पार्ट आप पकड़ेंगे, उनको हल्का हल्का सा रोल करेंगे और उनको पफ के ऊपर से ले जाएंगे। यही काम हमें दोनों साइड से करना है, और हमें पफ के ऊपर ये दोनों साइड से बनाना है ये डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन है ये काफ़ी प्यारा लगता है, बहुत सिंपल है, बनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे ड्राइवर हैं, और बहुत लोग तो ऐसे हैं जिनका अपना खुद का पार्लर है, और वो मेरी वीडियो देखकर काफ़ी कुछ अपने पार्लर में करते हैं, और उनका जो पार्लर है वो बहुत अच्छे से गेन करता है। की हेल्प के लिए ये चैनल चलाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग भी मुझसे कुछ सीखते हैं, उन लोगों को बहुत ही ईजी तरीके से मैं सारी चीज़ें सिखाऊँ। तो देखिए, आप देख सकते हैं बातें करते करते हमारा जो पफ के ऊपर से हम लोगों को लेयर लेनी थी वो सब हमने ले ली, और ये कितना प्यारा लग रहा है। अब आप देख सकते हैं, जब हम पूरा काम कर लेते हैं तभी हमें पता चलता है कि हम किस तरीके से कौन सा काम कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कैसा आएगा। तो अब आप देख सकते हैं इनका पफ जो है वो बहुत प्यारा लग रहा है। इसी तरीके का हेयर स्टाइल हमारी क्लाइंट को चाहिए था, क्योंकि उन्होंने हमें ये चीज़ ना थोड़ा सा बोली भी थी कि उनको अपनी हाइट बढ़ानी है, और थोड़ा सा जो आजकल इन है हेयर स्टाइल वो कराने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं, अब जो ये हमने आगे से बाल लिए हैं, अब हमें सबसे ज़्यादा ध्यान किस चीज़ का रखना है कि इनका जो मांग टीका है ना, उसकी लड़ी बहुत चौड़ी है और इनका फेस बहुत छोटा है। तो अब हमें ये कुछ बालों के ऊपर से हम इसको लेकर जाएंगे मांग टीके को, तो हम आगे से हल्का सा ट्विस्ट देकर, मैंने ये बाल हेयर स्टाइल आप लोगों को कई बार बताया है, हल्का सा ट्विस्ट देकर इस लड़ी को इन बालों के ऊपर लेंगे हल्का सा, ताकि फोरहेड भी ना ढके ज़्यादा और इनका छोटा ना लगे, ऐसा ना लगे कि मांग टीका बहुत बड़ा हो गया फेस के अकॉर्डिंग। तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए देखिए, हम लोगों ने आगे से इस तरीके से एक दूसरे के साथ में हल्का हल्का सा रोल करते हुए इन बालों को पफ के पीछे से हम लोग ले गए। दोनों साइडों को हम बिल्कुल सेम बनाएंगे, और फिर उसके बाद करेंगे हम लोग इनका जो है मांग टीका फिट। बीच बीच में हेयर स्प्रे करते रहिए, क्योंकि हेयर स्टाइल होता है वो काफ़ी अच्छे से बना रहता है काफ़ी टाइम तक, और बहुत फिनिशिंग के साथ में बनता है, तो हेयर स्प्रे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये जो हेयर स्प्रे मैं यूज़ कर रही हूँ ये नोवा का हेयर स्प्रे है, काफ़ी ईजीली मार्केट में मिल जाता है, काफ़ी सेफ है हमारे बालों के लिए, बिल्कुल भी हार्म नहीं करता है। तो अब आप देख सकते हैं, हमने आधे बालों के ऊपर से ये टीका लिया, तो ये फोरहेड पे बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं आया, और जो टीका हमें लग रहा था कि काफ़ी बड़ा ना लगे इनके फेस के अकॉर्डिंग, वो चीज़ भी इनकी नहीं हुई, काफ़ी अच्छा इनके फेस के ऊपर ये जा रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनका ब्राइडल मेकअप की वीडियो भी बहुत जल्द चैनल पर जाएगी, अभी पहले मैंने आप लोगों के साथ में हेयर स्टाइल शेयर किया है,
और मैं इनकी मेकअप की वीडियो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। बाकी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किस किस को इनके मेकअप की वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये बहुत क्यूट लग रही थी मेकअप से पहले आपने, क्योंकि इनको नहीं देखा है तो आपको लगेगा कि शायद ऐसी ही होंगी, बट ये बहुत चेंज था इनके फेस में मेकअप के बाद, ये बहुत क्यूट लग रही थी। पहले से भी क्यूट थी बट बाद में और भी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। तो देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ईजी है, एक बार करके देखिएगा। पहले आप प्रैक्टिस किया कीजिए, जो लोग भी पार्लर रन करते हैं ना, मैं उन लोगों से बोलूँगी कि पहले प्रैक्टिस किया कीजिए इन सारी चीज़ों की, और उसके बाद में रियल कस्टमर के ऊपर ये काम किया कीजिए। अब हम लोगों ने जितना भी बाल हमारा पीछे की साइड में रह गया था और जो हमने पोनी बनाई थी, उस सभी बालों को लेकर हमने एक जो है वो डोनट डाल दिया है बालों में। ये डोनट भी इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और अब हम क्योंकि इनका बाल काफ़ी अच्छा है, हेल्दी है, काफ़ी लंबा बाल है, उसका ध्यान में रखते हुए इन्हीं के बालों से उस डोनट को रैप कर देंगे। ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्राइडल हेयर स्टाइल में पीछे से लगभग लगभग एक से ही हेयर स्टाइल बनते हैं, क्योंकि हमारी चुन्नी जाएगी पीछे तो हम कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते, ताकि हमारी चुन्नी इधर उधर ना हो। और इस तरीके का जब हेयर स्टाइल हम पीछे से बनाते हैं तो बहुत प्यारा लगता है। तो हमने उनको कवर कर दिया डोनट को इन्हीं के बालों से, और जो साइडों से बाल बचे उस बालों को हल्का हल्का सा रोल करते हुए हम लोगों ने डोनट के चारों तरफ लगा दिया। तो अब आप देख सकते हैं इन्हीं के बालों से ये कितना प्यारा काफ़ी हैवी जूड़ा बन गया पीछे का। अब हम इसको फ्लोवर से डेकोरेट करेंगे, जो ये गजरा लेकर आई हैं। पहले हम गजरा लगाएंगे, उसके बाद हम रियल रोज़ जो आते हैं उससे इसको डेकोरेट करेंगे। आप काफ़ी तरीके से इसको डेकोरेट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियो हैं मेरे चैनल पर, जिसमें मैंने बहुत सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल आप लोगों को काफ़ी अलग अलग तरीके से भी डेकोरेट करना बताया है। काफ़ी फेक जो आजकल हेयर डेकोरेशन आती है उनके साथ में भी, रियल फूलों के साथ में भी बहुत अच्छे अच्छे हेयर स्टाइल मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। और बहुत सारी वीडियो हैं मेरे चैनल पर जिसमें मैं आप लोगों के साथ में रियल काम जो है वो ज़्यादा शेयर करती हूँ अपने चैनल पर। ये चीज़ आप लोगों को भी पता है, और आप लोग बहुत प्यार देते हो मुझे, तो इस चीज़ को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए हम लोगों ने इनके जूड़े को जो है वो पहले गजरे से रैप किया। अब आप देख सकते हैं कितना हैवी लग रहा है ये। अब इसके बाद हम लोग जो हैं जो रोज़ आते हैं उनकी लीफ को तोड़ेंगे, और उन लीफ से जितनी भी जगह ये बीच की बची है इसको कवर करेंगे। हमने इनके इनसे रेड रोज़ मंगवाए थे, येलो रोज़ मंगवाए थे, तो ये दो रोज़ के साथ में हम लोग इनका जो जूड़ा है उसको रैप कर देंगे। देखिए आप देख सकते हैं कितने प्यारे तरीके से ये रैप हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये हेयर स्टाइल कैसा लगा, कितना इजी है करना, क्विकली हो गया, मुश्किल से 10 मिनट में ये हेयर स्टाइल हो गया था। और आप लोग सोच सकते हैं कि रियल ब्राइडल का 10 मिनट में हेयर स्टाइल बनाना बहुत टफ टास्क है, बस मेरे पार्लर पर बट इसी तरीके से काम होता है, क्योंकि मेरे पार्लर का जो स्टाफ है या हम लोगों के जो काम करने का तरीका है वो यही है, क्योंकि एक साथ हमारे पास बहुत सारे ब्राइड तैयार होते हैं तो हम इतना टाइम सबको नहीं दे सकते, और हम काम भी बिल्कुल परफेक्टली करना पसंद करते हैं। तो देखिए आप लोग ने देखा ये इनकी बैक साइड है, और आप फ्रंट साइड भी इनकी देख सकते हैं। इनके फेस के अकॉर्डिंग इनका हेयर स्टाइल आप बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और बहुत प्यारी लग रही थी ये, बहुत सुंदर इनका हेयर स्टाइल लग रहा था, सब कुछ मुझे ऑल ओवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। इनके जितने भी रिश्तेदार इनके साथ में आए थे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आया इनका सारा काम। तो अगर आप लोगों को इनकी मेकअप की वीडियो देखनी हो तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताइएगा, और मैं आगे भी आप लोगों के साथ में बहुत अच्छी अच्छी वीडियो शेयर करती रहती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आता है, मेरी वीडियो आप लोगों की काफ़ी हेल्प करती हैं, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू बताते भी हैं, तो बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मेरा चैनल कैसा लगता है। और मेरे दो चैनल और भी हैं, वंशिका चौधरी और ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा चौधरी के नाम से, तो आप उन दो चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप मेरे उन दोनों चैनल पर भी जाएंगे और वहाँ पर भी वीडियो इन्जॉय कीजिए, क्योंकि जो वंशिका चौधरी नाम से मेरा चैनल है वो है होम ब्लॉगिंग चैनल, और जो ब्यूटी एक्सपर्ट पूजा चौधरी के नाम से चैनल है वो मेरा चैनल है मेरा एक ब्यूटी से रिलेटेड चैनल, जिसमें मैं आपको स्किन केयर, हेयर केयर, ये सारी चीज़ें बताती हूँ। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार चेक जरूर कीजिएगा। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप मेरी उन दो चैनल पर भी विजिट करेंगे, और उन चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।